हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राम राम जी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप लोग? ज़रूर आप लोग अच्छे हो, मज़े में होंगे। स्वागत करती हूँ अपने घर में, जैसा भी घर है मेरा है और जो भी है आप लोग के सामने ही। तो आज मैं ब्लॉग स्टार्टिंग मॉर्निंग से कर रही हूँ, नहा धो के एकदम फ्रेश होके जब आ गई हूँ तब। और ठंडी मुझे लग रही है, क्योंकि मैं अगर नहा के आती हूँ तो मुझे बहुत ठंडी सर्दी लगती है। तो अभी जो है मुझे बनाना है खाली पराठा, क्योंकि सब्ज़ी मैंने कल बनाई थी गोभी आलू की, वो रखी हुई, तो सिर्फ पराठा सेक दूँगी फटाफट से और पतिदेव को करा दूँगी नाश्ता। लेकिन अभी पतिदेव हमारे गए हैं बाहर, अभी तक आए नहीं हैं, नहाए धोए भी नहीं हैं। इंतज़ार कर रही हूँ जब वो आए फटाक से, वो नहाने चले जाएँगे फटाक से। पराठा सेक दूँगी, चार पराठा सेकने में कितना वक्त लगता है ना फ्रेंड्स। वेट कर रही हूँ। और आज मैंने ये वाली साड़ी जो है वेयर कर ली है, आप देख सकते हो। और हो सकता है कहीं जाना हो तो फिर उसका भी ब्लॉग थोड़ा बहुत शूट करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। मेरी थ्रेडिंग कितनी बढ़ गई है, बहुत गंदी लग रही है, लेकिन ठीक है, जब बन जाएगी तो बहुत अच्छी लगेगी, तो इसीलिए बढ़ा रही हूँ ताकि अच्छे से इसको बना सकूँ पार्लर में जाके। तो जाऊँगी तो आपको वो भी दिखाऊँगी जब पार्लर जाऊँगी तो। हमारी मम्मी धूप सेक रही है, आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, चुपके से चोरी से दिखाती हूँ मम्मी को, ठीक है? नहीं मम्मी जानते हैं कैमरा देखेंगी ऑन तो कुछ चिल्लाती हैं। फ्रेंड्स अब आप लोग को मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, वो चीज़ ये है मुझे रिसीव हुआ है पार्सल, जो कि मैं क्या बताऊँ मुझे किसने भेजा है। मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर कम मेरी दोस्त है, दोस्त कम मेरी बहन जैसी हैं, एकदम छोटी हैं मुझसे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स करके भेजा है मुझे ये तोहफा। और ये मैं खोल के देख भी चुकी हूँ, लेकिन मैं आप लोग को फिर से दिखाती हूँ। और मैंने वैसे ही पैक करके रख दिया ताकि ख़राब ना हो। और ये जो है मुझे नए साल पर रिसीव होने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ कारण की वजह से लेट हो गया रिसीव होने में। तो यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि किसने मुझे ये तोहफा भेजा हुआ है, उनका नाम मैं आपको बताऊँगी। और बहुत ही प्यारा सा तोहफा जो है उन्होंने मुझे भेजा हुआ है, मुझे बहुत पसंद आया था ये, मैंने इसे पहन के भी देखा है और इंस्टाग्राम पे मैंने इस पर रील्स भी बनाई हुई है, आप लोग को मैं दिखाती हूँ। तो वो ये तोहफा है फ्रेंड्स, ये ईयर रिंग है और मांग टीका है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है पहनने पे। इस ईयर रिंग को शायद मेरे ख्याल से बाहुबली ईयर रिंग्स कहते हैं, तो बहुत ही अच्छा है इसका लुक। और देखिए ये कब यूज़ में आता है, कब पहनती हूँ मैं, कब क्या होता है देखा जाएगा। वैसे मुझे बहुत पसंद आया, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं अगर इसे पहनूंगी तो मेरे ऊपर कैसा लगेगा ये भी ज़रूर बताना। और अब मैं बता देती हूँ कि मुझे भेजा किसने है। तो ये मुझे भेजा है मेरी बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं दीक्षा जी, उन्होंने मुझे ये भेजा है, मेरे बहुत मना करने के बाद भी उन्होंने भेजा है, मतलब उन्होंने मुझे तब जाके मैंने जो है ये किया। और मैं आपको बता दूं, मतलब कि उन्होंने कहा था कि तुम ऑर्डर कर दो और मैं पेटीएम कर दूंगी अपने तरफ से, तो ऐसा हुआ था तो उन्होंने भेजा था। थैंक यू सो मच दीक्षा जी कि आपने मुझे इतना प्यारा सा तोहफा भेजा, और बहुत लेट मुझे रिसीव हुआ लेकिन फाइनली रिसीव हो गया है। और यार इतना ज़्यादा आप लोग प्यार मुझे दे रहे हो यूट्यूब पे, मुझे यकीन नहीं होता कि इतना ज़्यादा प्यार मुझे मिलेगा यूट्यूब पे, बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। छोटा सा परिवार बना है मेरा, जो कि बहुत साथ देता है मेरा और बहुत मानता भी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ब्लॉग में बने रहिए, देखिए आगे क्या होता है। और धन दान देने वाला कोई उपाय बताइए, हम सब ऋषि मुनि आपके से वह उपाय सुनना चाहते हैं। भगवान भगवान ये बताओ कि कलयुग में तू कैसे दर्शन दे। हम आते हैं हाँ।
हाँ तो फ्रेंड्स, मैं फिर से घर पे आ गई थी और आके जो है मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी, लेकिन अब फिर वहीं पे जा रही हूँ क्योंकि वो है मठ मंगरा जो है वो है, तो वो अटेंड करने जा रही हूँ। क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है वो आप लोग को ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और साड़ी मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, संभाल नहीं पाती हूँ मैं साड़ी ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ये वाला सूट डाल लिया है। और चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमें
गरीब होते हैं। छोड़ो भैया हमारे फ्रेंड्स। अब मैं बता देती हूँ जल्दी शॉर्टकट में कि मैं कहाँ गई थी और कहाँ जाने वाली हूँ, जल्दी से बता देती हूँ। और जब तक ये शादी वादी का ब्लॉग आएगा तब तक मैं क्वेश्चन आंसर नहीं पूछूंगी, तो आप लोग आस ना लगाइएगा। अभी ये ब्लॉग एंजॉय करिए आप लोग अच्छे से। तो मैं बता देती हूँ, मेरे पति देव के बहुत अच्छे मित्र समझिए, जो भी समझिए, तो वो हैं जो कि हमारे कुछ ही दूरी पर रहते हैं घर से। और मेरे पापा के भी वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे पापा के भी बहुत अच्छे मित्र रह चुके हैं एक टाइम में। तो मतलब दोनों तरफ से मेरा रिश्ता हो जाता है, एक तरफ से मैं बहू भी लगती हूँ, एक तरफ से मैं बिटिया भी लगती हूँ। तो वहीं उन्हीं के यहाँ जो है उनकी बिटिया की शादी पड़ी हुई है, तो वही जो है हम लोग अटेंड कर रहे हैं। और हो सकता है उनकी बिटिया की शादी में भी हम लोग जाएंगे, अगर जाएंगे, वैसे ज़्यादातर तो प्लान यही बन रहा है कि जाएंगे, तो आप लोग को भी ले चलूँगी। बनिएगा, बने रहिएगा ब्लॉग में। वीडियो में न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा, आगे अच्छे अच्छे बहुत ही बढ़िया बढ़िया ब्लॉग देखने को आप लोग को मिलेंगे। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी है, क्योंकि क्लियर कर देना पड़ता है ना, वरना फिर आप लोग सोचोगे ये कहाँ गई कहाँ नहीं गई, तो इसलिए मैं क्लियर कर देती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर। नेक्स्ट ब्लॉग भी मिस मत करिएगा, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाय बाय।